हरियाणा के सोनीपत में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सोनीपत में कांग्रेस का अहंकार चूर हो गया। कुछ लोग खुद को भगवान मानते हैं, खुद को ईश्वर मानने वालों को जनता ने सजा दी। इतना ही नहीं, ना को उन्होंने ये भी कहा कि सोनीपत का मतलब किसान, जवान और पहलवान। पीएम मोदी ने कहा है कि हरियाणा का युवा तिरंगे का मान बढ़ाने में सबसे आगे है। हमने हमेशा देश हित को राजनीति से ऊपर रखा। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि 370 हटने से कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस के दर्द की कोई दवा और कोई इलाज नहीं। सोनीपत में रैली के दौरान पीएम मोदी कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि पाक कांग्रेस नेताओं के बयान का इस्तेमाल कर रहा है। कांग्रेस की भाषा पाकिस्तान को अच्छी लगती है। उन्होंने यहां तक कहा कि कांग्रेस के बयान से पाक को फायदा हो रहा है। मोदी पर कांग्रेस का कोई दाग नहीं चिपकेगा। कांग्रेस जितना चाहे मोदी का विरोध कर। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में होने वाली कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की रैली रद्द हो गई है। सोनिया गांधी की जगह अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस रैली को संबोधित करेंगे। सोनिया गांधी ने इन विधानसभा चुनाव में एक भी रैली को संबोधित नहीं किया। ये सोनिया गांधी की इकलौती रैली थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उतर रहे हैं। राहुल ऐसे इलाके में चुनावी प्रचार करेंगे जो एक दौर में कांग्रेस का मजबूत गढ़ हुआ करता था। ये इलाका हरियाणा का महेंद्रगढ़ है, जहां की चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी काबिज है। और ऐसे में बीजेपी के हाथों से किला वापस छीनने के लिए राहुल गांधी महेंद्रगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज के खेल परिसर में आज जनसभा करके कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद करेंगे। सोनीपत में पूर्व सांसद जितेंद्र मलिक ने कुलदीप शर्मा को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने गन्नौर से कांग्रेस विधायक कुलदीप शर्मा को रावण बताया तो मलिक ने कहा कि 21 अक्टूबर को बीएसटी ग्राउंड में दशहरा मनाएंगे। लंकापति दशानन का दहन होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान खुलकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ दिया था, लेकिन अब बीजेपी उम्मीदवार निर्मल चौधरी को विजय बनाने के लिए प्रचार कर रहा। हरियाणा के गुरुग्राम विधानसभा से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी सूबे सिंह बोहरा चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कन्हाई गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया तो पूरा समर्थन देने का ऐलान भी किया। इस दौरान सूबे सिंह बोहरा ने कहा कि जननायक जनता पार्टी की नीतियों और ताऊ देवीलाल की सोच को ध्यान में रखते हुए लोग पार्टी की तरफ रुझान कर रहे हैं और दुष्यंत चौटाला जैसे युवा को हरियाणा का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 5 साल में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी। हरियाणा के फतेहाबाद में बीजेपी प्रत्याशी टूड़ाराम के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया। लोगों ने जुलूस निकालते हुए टूड़ाराम के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप है कि पंजाबी समुदाय की एक मीटिंग में टूड़ाराम के कुछ कथित गुंडे लोगों को धमका रहे, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा। सभी ने टूड़ाराम को वोट न देने की बात कही। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए भीड़ को शांत करवाया। हरियाणा के पानीपत में कांग्रेस प्रत्याशी ओपी जैन के समर्थन में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनसभा को संबोधित किया, लेकिन जनसभा में कुर्सियां खाली देखी गई तो इस जिले में 5 बार चुनाव लड़कर 2 बार जीत हासिल कर प्रदेश के पर्यटन और परिवहन मंत्री रहे ओपी जैन की जनसभा में भीड़ नहीं पहुंची। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी खास अवधि में कब और क्या गलत हुआ है, इसे याद करना बेहद जरूरी है। सीतारमण ने यह टिप्पणी मनमोहन सिंह के उस आरोप के जवाब में की है जिसमें उन्होंने कहा था कि एनडीए सरकार हमेशा अपने प्रतिद्वंदियों पर दोष बढ़ने की कोशिश करती है। मनमोहन सिंह ने अपने शासन में कुछ कमजोरियां होने की बात स्वीकार करते हुए गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार को प्रत्येक आर्थिक संकट के लिए सपरंग सरकार के दोष देना बंद करना चाहिए, क्योंकि समाधान निकालने के लिए 5 साल का वक्त पर्याप्त होता है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर ओवैसी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद को गिराना कानून का मजाक था। एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए थे तो कांग्रेस की सरकार थी। कौन था होम मिनिस्टर जब मस्जिद शहीद हुई? मेरे भाई, ये आपको याद रखना है। अल्लाह से दुआ करो कि इस फैसले से इंसाफ को कायम करें। रायबरेली सदर से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि जो लोग स्वार्थ के बारे में सोचते हैं उनकी कोई विचारधारा नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं। हमने अदिति सिंह को नोटिस दिया है, जवाब नहीं मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मंदिर के प्रशासन से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, जो वहां के वकीलों को पता ही नहीं है कि किस नियम के तहत काम किया जा रहा है। अदालत ने इसी के साथ ये भी पूछा है कि सरकार किस कानून के तहत मंदिर और उनकी संस्थाओं की निगरानी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की इन तीखी टिप्पणियों के सामने उत्तर प्रदेश सरकार की वकील की बोलती बंद हुई ही रही। वकील की तरफ से लिखित हलफनामा दायर करने के लिए सर्वोच्च अदालत से कुछ समय मांगा गया है, तो वकील ये भी नहीं बता पाए कि उत्तर प्रदेश में किस कानून के तहत मंदिरों के प्रशासन को देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में मंदिर की तरफ से योगी सरकार के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार का ये निर्णय गलत है और मंदिर का बोर्ड बनाने में किसी कानून का पालन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान ये भी पूछा कि सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार का कोई अधिकारी अदालत में मौजूद क्यों नहीं है, जो वकील को जानकारी दे सके और सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब भी दे पाए। बता दें कि पिछले 2 महीनों में कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। इससे पहले पिछले महीने एक मुस्लिम लड़की की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि महिलाओं और बाल अधिकारों के प्रति आप गंभीर नहीं हैं। पीएमसी बैंक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। बैंक में लाखों रुपए फिर भी हाथ पसारने को मजबूर, ये दर्द है पीएमसी बैंक के 15 लाख खाता धारकों का, क्योंकि आरबीआई के फरमान की वजह से वो 6 महीने में 40,000 रुपए से ज्यादा रकम नहीं निकाल सकते। इस पाबंदी के खिलाफ दाखिल अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है। पीएमसी बैंक के ग्राहकों की दिक्कतों पर दिल्ली के बिजोन कुमार मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। इस अर्जी पर आज सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मौजूदा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े को अगला सीजेआई बनाने की केंद्र सरकार से सिफारिश की है। प्रक्रिया के मुताबिक वर्तमान सीजेआई ही अगले सीजेआई की सिफारिश करता है। दाऊद इब्राहिम के करीबी इकबाल मिर्ची के साथ कथित लैंड डील के मामले में फंसे एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ईडी के सामने पेश हुए। उन्हें बुधवार को ईडी की ओर से समन भेजा गया था। ईडी को कुख्यात गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के सहयोगी इकबाल मिर्ची और प्रफुल्ल पटेल के बीच एक कथित लैंड डील को लेकर चर्चा कर रही। ईडी का आरोप है कि एनसीपी नेता के परिवार की तरफ से प्रमोटेड कंपनी और इकबाल मिर्ची के बीच फाइनेंशियल डील हुई थी और इस डील के तहत मिलेनियम डेवलपर्स को मिर्ची का वर्ली स्थित एक प्लॉट दिया गया था। इसी प्लॉट पर मिलेनियम डेवलपर्स ने 15 मंजिला कमर्शियल और रेजिडेंशियल इमारत का निर्माण किया है। कई सालों से जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के दिल्ली के बंगले से करोड़ों रुपए के विदेशी हथियार बरामद हुए हैं। लखनऊ क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के बसंत कुंज के बंगले से इन हथियारों को बरामदगी की। इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया मेड रिवॉल्वर, बंदूक और कारतूस अब्बास के ठिकाने से मिले हैं। इटली और स्लोवेनिया से खरीदी गई डबल बैरल और सिंगल बैरल बंदूक भी बरामद हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला का ट्रांसफर मध्य प्रदेश करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने सरकार से 7 दिन में इसका नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। कोर्ट ने ट्रांसफर किए जाने के पीछे की वजह नहीं बताई है, लेकिन माना जा रहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर हजेला का ट्रांसफर किया जा रहा है। बीजेपी नेता और अभिनेत्री जयप्रदा का कहना है कि आजम खान को महिलाओं के आंसू का श्राप लगा है। उन्होंने आजम खान पर तंज कसते हुए कहा कि आजम उन्हें अच्छी अभिनेत्री बताते थे, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं। बता दें कि आजम खान जमीन कब्जाने समेत कई मामलों में कार्रवाई झेल रहे हैं। पिछले दिनों रामपुर उपचुनाव में अपनी पत्नी तंजीन फातिमा के लिए प्रचार करने पहुंचे आजम खान एक रैली में भावुक हो गए थे। वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने के नाम पर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सावरकर के पोते रणजीत सावरकर का अनोखा बयान सामने आया है। इसमें रणजीत सावरकर ने इंदिरा गांधी को सावरकर का अनुयायी बताया। ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही रणजीत सावरकर ने सोनिया और राहुल पर मुंबई की एक अदालत में मानहानि का केस दर्ज कराया था। इसरो ने चंद्रयान 2 की तस्वीरें जारी की हैं। इसरो की माने तो ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से ली गई ये तस्वीरें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में मौजूद बोगलास की ई क्रेटर और उसके आसपास की हैं। इसका व्यास 14 किलोमीटर और गहराई 3 किलोमीटर है और इसरो की माने तो तस्वीरों में चंद्रमा पर बड़े पत्थर और छोटे गड्ढे दिख रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि चंद्रमा को लेकर इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई अहम जानकारी सामने आ सकती है।
बिहार के कटिहार से अपराधियों की तरफ से गोलीबारी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। बता दें कि बदमाशों ने सरेआम एक बीजेपी नेता और कारोबारी पर फायरिंग की और फरार हो गए। वहीं पुलिस अपराधियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की बात कर रही है। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र शिव मंदिर चौक के मार्बल दुकान में घुसकर मार्बल दुकानदार और दुकान में मौजूद बीजेपी नेता वीरेंद्र यादव पर गोली चला दी गई। फिलहाल दोनों का इलाज पूर्णिया में चल रहा है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। यहां बच्चों को ले जा रही स्कूल बस पलट गई और हादसे का शिकार हो गई। बस में सवार 22 स्कूली बच्चे घायल हो गए। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करा लिया गया है। बस में करीब 35 बच्चे सवार थे। यूपी के संबल नगर पालिका ईओ को धमकी देने का आरोप में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष फिरोज खान के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बता दें कि दो दिन पहले शहर के लक्ष्मणगंज वारिस नगर में नाले में गिरकर एक साल की मासूम की मौत हो गई थी। इस मामले ने तूल पकड़ लिया। बुधवार को मृतक बच्चे के पिता की तरफ से तहरीर लेकर समाजवादी पार्टी के तत्कालीन जिलाध्यक्ष फिरोज खान ने बच्चे की मौत के लिए ईओ राजकुमार को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके साथ बदसलूकी कर दी थी। इसको लेकर ईओ राजकुमार की तहरीर पर फिरोज खान, आमिर खान समेत उनके कुछ साथियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। रामपुर में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जनसभा में हंगामा हो गया। हंगामा उस वक्त हुआ जब लल्लू संबोधन में विपक्ष की भूमिका में सपा को कोस रहे थे। तभी कांग्रेस से निष्कासित फैसला तरह के कुछ समर्थकों ने पूछ लिया कि सपा नेता आजम खान का ही विरोध कर रहे कांग्रेस नेता फैसल लाला को क्यों निकाला, जिस पर पहले तो कांग्रेस उम्मीदवार अरशद अली गुड्डू ने सवाल पूछने वाले के मुंह पर हाथ रखने की कोशिश की और उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शख्स को घेर लिया, उसे पीटने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर मामला बढ़ने से रोक लिया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करती खबर सामने आई है। अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखने वाली पत्नी का उसके ही पति ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। मामला हमीरपुर के उमरी गांव का है, जहां व्रत की पूजा के लिए तैयार हो रही पत्नी पर उसके पति ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी है। गाजियाबाद में पुलिस और महिला के बीच जमकर हंगामा हुआ। तुराब नगर अंबेडकर रोड पर मेहंदी लगा रही महिला से झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि करवा चौथ के मौके पर देर रात सड़क किनारे महिला मेहंदी लगा रही थी। अचानक आए पुलिस वालों ने मेहंदी लगा रहे दुकानदारों को हटाने लगे। इसी को लेकर महिला और पति पुलिस वाले से भिड़ गए। यूपी के महाराजगंज में दिनदहाड़े 13 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। यहां के परिंदा थाना क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक में चार बदमाशों ने हथियार के दम पर 13 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। लूट की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। एक बाघन के लिए दो बाघों में जमकर झड़प हुई है। वीडियो सवाईमाधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क का है। यहां दो बाघ एक बाघन के लिए एक दूसरे से भिड़ गए। इस वीडियो के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर से शेयर किया है। दोनों बाघों को लड़ते देख नेशनल पार्क में आए पर्यटक भी हैरान रह गए। दोनों बाघों के बीच लड़ाई नेशनल पार्क के जोन नंबर 6 के पटवा बावड़ी में हुई। इस लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। डीजल के दाम में दो दिनों की स्थिरता के बाद फिर कटौती की गई है, जबकि पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। डीजल के दामों में आज दिल्ली और कोलकाता में 10 पैसे जबकि मुंबई और चेन्नई में 11 पैसे की कटौती हुई है। तो वहीं जबकि तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल के भाव लगातार दूसरे दिन स्थिर रखे। शेयर बाजार शुरुआती गिरावट से उबरकर बढ़त में आ गया है। सेंसेक्स 209 अंक की तेजी के साथ 39,261.20 पर पहुंच गया। तो वहीं निफ्टी में 60 पॉइंट का उछाल आया है। इसमें 11,645.90 का उच्च स्तर छुआ। विश्लेषकों के मुताबिक मजबूत विदेशी संकेतों से भारतीय बाजार में खरीदारी तेज हुई। कंपनियों के तिमाही नतीजे बेहतर आने से भी सहारा मिल रहा है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की तिमाही नतीजे आने वाले हैं। इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज 9 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई हैं। ये पहली बार है जो भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड किसी भी कंपनी का मार्केट कैप 9 लाख करोड़ के पार हुआ है। ह्युंडई ने समय समय पर क्रेटा में बदलाव किया है और अब कंपनी ने एक नई कंपनी की नई पहल की है। दरअसल ह्युंडई ने क्रेटा के ई प्लस और ई एक्सपेरियंटिस को 1.6 लीटर U2 CRDI डीजल इंजन के साथ पेश किया है। ये वेरिएंट एंट्री लेवल के मॉडल्स पर है और इससे पहले ये इंजन सिर्फ SAT वेरिएंट टॉरस के ऊपर में शामिल थे। ताइवान की टेक कंपनी आसुस ने भारत में ZenBook Pro Duo और ZenBook Duo लॉन्च किए हैं। ये
डुअल स्क्रीन लैपटॉप सीरीज है और ये हाई एंड है और प्रो मॉडल की कीमत 2,09,990 रुपये है जबकि स्टैंडर्ड मॉडल की कीमत 89,990 रुपये है। इसके अलावा जैन बुक सीरीज के भी नए लैपटॉप पेश किए गए हैं। ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को 11 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। हिरासत की नियमित सुनवाई के लिए लंदन की जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में उसकी पेशी हुई। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के न्यायाधीश नीना टेम्पिया ने पुष्टि की मोदी के प्रत्यर्पण मामले में सुनवाई अगले साल 11 से 15 मई के बीच होनी है और उसे हर 28 दिन में अंतिम समीक्षा सुनवाई के लिए वीडियो लिंक के जरिए पेश होना होगा। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अनौपचारिक मुलाकात के चीन ने भारत पाकिस्तान के रिश्तों को बेहतर करने में सकारात्मक भूमिका निभाने की बात कही तो चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि भारत पाकिस्तान और दूसरे दक्षिण एशियाई देशों के साथ चीन के संबंध समानांतर और एक साथ विकसित हो सकते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन को पूरी उम्मीद है कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद अपने आपसी संबंधों में सुधार करें। पाकिस्तान में बदतर अर्थव्यवस्था के चलते अब वहां की अमन एम्बुलेंस सर्विस को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। सेवा को बंद करने की वजह सिंध सरकार के पास फंड की कमी बताई जा रही है। अमन फाउंडेशन के स्वास्थ्य सेवा के निदेशक खकान सिकंदर ने कहा कि वो कुछ महीनों के लिए अपनी सेवाओं को घटा रहे थे और अब इस सर्विस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के 5 दिनों के दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के प्रिंस विलियम इस्लामाबाद गए। यहां प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी की केट मिडलटन ने ऑटो की सवारी भी की। शाही जोड़ा ऑटो में सवार होकर नेशनल म्यूजियम में आयोजित डिनर पार्टी में शामिल होने पहुंचा। इस दौरान केट ग्रीन टेप और एम्ब्रॉयड गाउन में नजर आई तो वहीं प्रिंस विलियम ग्रीन कलर की डिजाइनर शेरवानी पहने नजर आए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच ब्रेग्जिट करार पर बनी सहमति का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि इससे असमंजस में फंसे ब्रिटिश सांसद मंजूरी दे देंगे। ब्रसेल्स में आयोजित ईयू सम्मेलन में हिस्सा लेने जाने से पहले मध्यमार्गी नेताओं से बैठक में मैक्रों ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि ब्रिटिश संसद इस करार की पुष्टि कर देगी। आईपीएल के 13वें सीजन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टूर्नामेंट के इतिहास की पहली टीम बन गई है जिसने महिला सपोर्ट स्टाफ को टीम में शामिल किया है। विराट कोहली के कप्तानी वाली टीम ने नवनीता गौतम को अपना स्पोर्ट्स मसाज थेरेपिस्ट बनाया है। गांगुली बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में 23 अक्टूबर को कार्यभार संभालने वाले हैं। हालांकि इससे पहले गांगुली ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिश को देखते हुए साफ कर दिया कि टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री अब सिलेक्शन कमेटी की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। डेनमार्क ओपन में भारतीय टीम के लिए लगातार दूसरे दिन बुरी खबर आई है। सायना नेहवाल के बाद अब भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु भी टूर्नामेंट में हारकर बाहर हो गई हैं। सिंधु को दूसरे दौर में कोरिया की खिलाड़ी आन से यंग से ने सीधे सेटों में 21-14 21-17 से हराया। साल 2023 में खेले जाने वाला हॉकी विश्व कप की मेजबानी का जिम्मा भारत को मिल सकता है। 3 सफल विश्व कप का आयोजन कर चुके भारत ने इसके लिए बोली लगाई है। भारत समेत 3 देशों ने 2023 विश्व कप की मेजबानी के लिए बोली लगाई है और उम्मीद लगाई जा रही है कि ये जिम्मा भारत को ही दिया जा सकता है। भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक क्वालिफायर के मुकाबले से पहले बेहद शानदार फॉर्म में दिख रही है। टीम ने हाल ही में बेल्जियम का दौरा किया है। यहां टीम को लगातार जीत मिली। विश्व चैंपियन के खिलाफ इस प्रदर्शन से टीम इंडिया के मुख्य कोच ग्राहम रीड बेहद खुश हैं। उनका मानना है कि टीम ओलंपिक क्वालिफायर मुकाबले भी जीतकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगी। रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 11 शुरू होने वाला है और इन दिनों शो के जज कंटेस्टेंट के ऑडिशन ले रहे हैं। हाल ही में जब एक शख्स ऑडिशन देने पहुंचा तो उसने जबरन नेहा कक्कड़ को किस कर लिया। वहीं नेहा कक्कड़ को किस करने वाले इस शख्स का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर के रिलीज के तीसरे हफ्ते में कमाई जा रही। फिल्म की लगातार बढ़ती कमाई ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार रिकॉर्ड बनाए तो रिलीज से पहले ही प्री बुकिंग के जरिए 32 करोड़ रुपए कमाने वाली वॉर इसी हफ्ते 300 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकती है। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की बेटी और रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर की नई वीडियो सामने आई। वीडियो में रिद्धिमा एक्सरसाइज कर रही हैं। हालांकि रिद्धिमा लाइमलाइट से दूर रहती हैं लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद उनकी काफी तारीफ हो रही है। एक्टर अमिताभ बच्चन बीते 3 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट हैं और ऐसी खबर है कि उन्हें रविवार को डिस्चार्ज किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर अमिताभ की जल्द रिकवरी की कामना की जा रही है। इस दौरान अमिताभ बच्चन भी सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट दे रहे हैं। हॉस्पिटल में अमिताभ के ट्वीट तेजी से वायरल हो रहे हैं।
एकता कपूर का शो कसौटी जिंदगी की टू शुरुआत से चर्चा में तो बना हुआ ही है और अब और भी ये शो सुर्खियां बटोर रहा है।